तीन साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ सर। कितनी जमीन है आपकी? 3 एकड़ मेरे पास जमीन है सर, पूरे में मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। पहले से क्या अनुभव ज्यादा आया सर जी? अब जिससे मैं शुरू में किया थोड़ी अनुभव मुझे कम था, थोड़ी गड़बड़ी आई, लेकिन माननीय कृषि विभाग जो है मुझे माननीय पालेकर साहब के यहाँ भेज करके ट्रेंड कराए, वहाँ से आने के बाद जब मैंने उस मेथड को अपनाया तो मेरा पैदावार उतना ही हुआ जितना पहले फर्टिलाइजर वाले से होता था। अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर। पैसा कितना बच गया आपका? अरे सर, फर्टिलाइजर में मेरा कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये निकल जाता था, वो बच गया। इसके बाद मेरी जो उत्पादन हो रही है इसकी कीमत भी 5 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा करके ही मिलती है। लोगों को मालूम है कि आप ऐसा? जी जी, मालूम हो गया है। हाँ, हाँ। तो सर अब बड़े आसानी से हम अपनी खेती तो अगल बगल के किसान देखने के लिए आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। बहुत फायदा है, बहुत पैसा भी बचता है, जमीन बच जाती है सर। सबसे बढ़िया फायदा ये हो रहा है कि मेरी मिट्टी दिन पर दिन उपजाऊ हो रही है। हाँ, वो केचुए जो है ना, केचुए काम करते हैं, पीछे है बहुत उग गए। और इसके साथ साथ आप अकेले काम करते हो, 1 लाख केचुए काम करते हैं। ये सब ड्रोन दीदी है? वाह, चलान आ गया? यस सर। किसी के लिए? तो ये देख करके गांव वाले घबरा जाएंगे? नहीं सर, घबराएंगे नहीं, बस आएंगे सर। बहुत अच्छा साल तो हो रहे हैं तब करने के लिए कि हाँ लाई हम लोग भी करेंगे। हम लोग लोगों को बताया तो वो लोग और भी खुश हो रहे हैं, किसान भाई भी खुश रहे हैं, क्योंकि ये आसानी से सारा हम लोग स्प्रे इसका कर लेंगे और कम समय में इसकी लागत भी अच्छी हो जा रही है और हमारी धरती माँ की जो उर्वरक चली जा रही है उससे हम अपनी धरती माँ को भी आसानी से बचाया जा सकते हैं। इसको गाँव वाले नमो दीदी बोलते हैं। तो ये क्या पिज्जा खिलाती हो? श्री अन्ना बाजरे, श्री अन्ना है, श्री अन्ना से बनाए पिज्जा ये बाजरे।